जंतर मंतर सब झूठ है, मति भरमो जग में को सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। क्योंकि इस सृष्टि में आपको जानना ही है तो सार शब्द को जानिए, सार शब्द को ज्ञान कीजिए, सार शब्द का भेद मालूम कीजिए। वही तो जानना है। क्या आपको किसी मंत्र की आवश्यकता है या तंत्र की आवश्यकता है या किसी द्वेष की आवश्यकता है? कुछ नहीं है। ये सब व्यर्थ के खेल हैं, झूठ के खेल हैं। आप इन्हीं चक्रों में उलझते जाएंगे, जितने ही आप संसार के दंदल में फंसते हुए चले जाएंगे। आपको परम शक्ति का बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नकली स्वरूपों में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप नकली रूपों में फंसे हुए हैं, नकली भेदों में फंसे हुए हैं। ऐसे भेदों से आपको परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको परम पिता की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही तो सत्य है। क्योंकि एक संत को पशु पक्षी पालना व्यर्थ है। ऐसे ही एक संत हो या त्यागी हो या उस परम शक्ति को जो पाने लायक हो, उसको किसी स्थिति किसी कला को रखना व्यर्थ है। क्योंकि आप कला में ही उलझे रहेंगे तब तक आपका जीवन काल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ गाना है, कुछ करना चाहिए, तो बस अपने परम शक्ति का बोध कीजिए, परम पिता का बोध कीजिए, परम परमात्मा का बोध कीजिए। वही तो आपके लिए सत्य है। क्योंकि सार शब्द उसको जानिए। सार है क्या? हर शब्दों से न्यारा, हर शब्दों से छटा हुआ, जिससे उस शब्द से आपको उस परम शक्ति का ज्ञान हो सके, उस परमात्मा की प्राप्ति हो सके। वही तो सार शब्द है। नहीं तो आप व्यर्थ के जंजालों में उलझे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ के द्वेषों में फंसे हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप को पहचानिए। शब्द माने उस परम सत्य का ज्ञान, शब्द माने आपकी आत्मा, शब्द माने वो परम शक्ति जिसके लिए पूरी सृष्टि पूरी रचना उसको खोजने की कोशिश करती है, तरह तरह के द्वेषों में पलती है, मंदिर में जाती है, मस्जिद में जाती है, अनंत भाव से उसका निधान करती है, तपोभूम सोचती है, वन में जाती है, तीरथ में जाती, मूरत में जाती, लेकिन उस परम सत्य का ज्ञान नहीं पाती। क्योंकि परम शक्ति के ज्ञान पाने के लिए परम गुरु की आवश्यकता है। जब तक आपको परम गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको सार शब्द नहीं मिल सकता है। सार शब्द को जानने के लिए एक परम गुरु की खोज कीजिए कि ज्ञानी कौन पुरुष है। ज्ञानी वही है जो परम गुरु की रास्ता जानता हो, परम सतगुरु का ज्ञान जानता हो, परम परमात्मा की प्रवृत्तियों को जानता हो। वही तो परम ज्ञानी होते हैं। आप ज्ञानी पुरुष को खोजिए, आपको ज्ञान अवश्य प्राप्ति होगी। व्यर्थ के जंजालों में मत फंसिए, क्योंकि आपके जीवन काल का जितना समय है सब व्यर्थ में चला जाएगा। आपको उस परम शक्ति का ज्ञान नहीं हो पाएगा, आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। उसको अगर जानना हो तो आप सत्य पर चलिए, अपने कदम सत्य पर रखिए। बस सत्य ही तो परमात्मा है, सत्य ही तो वो ज्ञान है जो सार शब्द है, सत्य ही तो वो है जो सार नाम है। इसलिए आप व्यर्थ के जंजालों से दूर रहिए, व्यर्थ के रोगों से दूर रहिए, क्योंकि व्यर्थ के लोग ही आपको इस सृष्टि में फंसाते रहते हैं और जाए रहते हैं, आपको उस संसार में पहुंचने नहीं देते हैं जिसमें आपको जाने की अति आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकता को अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो अपनी पीछे मुड़कर न देखिए, अपने वश मंजिल तक अपना ध्यान टिकाइए। तो उसी से परम शक्ति का ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति आपको उस
मार्ग में चलने का सही से अवसर प्रदान होगा। यही तो परम सत्य है। आप निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, आपको परम शक्ति और परमात्मा, परम शब्द, सार शब्द, इनकी सबकी प्राप्ति होती रहेगी। आपका सदा कल्याण होगा। सत्य गुरुदेव।